नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यू और लिटल के प्रयोग के बारे में, यानी फ्यू और लिटल का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम फ्यू के प्रयोग को देखते हैं। फ्यू में तीन तरीके का प्रयोग होता है फ्यू का। एक होता है केवल फ्यू, दूसरा होता है अफ्यू और तीसरा होता है द फ्यू का प्रयोग। अब इन तीनों का हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि तीनों का मतलब होता क्या है, क्योंकि फ्यू तो देखने में नॉर्मली अगर फ्यू का अर्थ हम देखते हैं तो थोड़ा या कुछ के बारे में बात किया जाता है, यानी सेंटेंस में कुछ कुछ की बात की जाती है तो फ्यू का प्रयोग होता है। और फ्यू का प्रयोग लिटल के लिए भी होता है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि फ्यू का प्रयोग कब होगा, लिटल का प्रयोग कब होगा, या फ्यू ऑफ यू या द फ्यू का प्रयोग कब होगा। तो सबसे पहले इनका थोड़ा मतलब जान लेते हैं। केवल अगर फ्यू दिया है तो इसका मतलब होता है कुछ नहीं या नहीं के बराबर। किसी सेंटेंस में बात की जा रही है कुछ या वो नहीं के बराबर वो चीज़ है, तो यहाँ पे फ्यू का प्रयोग होगा। ऑफ यू, ऑफ यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, मतलब नहीं के बराबर नहीं बल्कि उससे थोड़ा अधिक। ठीक है, यानी फ्यू से देखा जाए तो ऑफ यू ग्रेटर होता है, यानी फ्यू से ग्रेटर क्वांटिटी को थोड़ा दिखाना होता है तो ऑफ यू का प्रयोग किया जाता है। द फ्यू का प्रयोग होता है, या द फ्यू का जो मतलब होता है वो होता है जो कुछ थोड़ा, यानी जो कुछ भी आपके पास थोड़ा बचा है उसको आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे द फ्यू का प्रयोग होगा। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। पहला एग्जांपल फ्यू का देते हैं। विनोद हैज फ्यू बुक्स, यहाँ पे दिया विनोद हैज फ्यू बुक्स, यानी विनोद के पास ना के बराबर किताबें हैं। यहाँ पे केवल फ्यू का प्रयोग हुआ है। विनोद हैज फ्यू बुक्स, यानी विनोद के पास ना के बराबर किताबें हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, ही हैड अ फ्यू बुक्स, यानी उसके पास कुछ पुस्तकें थीं। ही हैड अ फ्यू बुक्स, यहाँ पे अ फ्यू का प्रयोग हुआ है, यानी उसके पास कुछ पुस्तकें थीं। ऐसा नहीं है कि उसके पास ना के बराबर पुस्तकें थीं, बल्कि उसके पास कुछ पुस्तकें थीं, यहाँ पे अ फ्यू का प्रयोग हुआ है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें द फ्यू का प्रयोग दिखाया गया है, ये है संजय हैज रीड द फ्यू बुक्स डैट ही हैज, यानी संजय के पास जो कुछ भी थोड़ी किताबें हैं वो उनको पढ़ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे द फ्यू का प्रयोग समझने की कोशिश करिए। द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा बहुत, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपके पास बचा हुआ है वहाँ पे, ऐसे कंडीशन में द फ्यू का प्रयोग होता है। यानी फ्यू ना के बराबर की क्वांटिटी को दिखाता है, और फ्यू थोड़ी क्वांटिटी को दिखाता है, और द फ्यू थोड़ी बची क्वांटिटी को दिखाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्यू और लिटल, इन दोनों का अगर मतलब देखा जाए तो एक ही होता है, लेकिन अब इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फ्यू का प्रयोग होगा और कहाँ पे लिटल का प्रयोग होगा, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, और लिटल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकें, जैसे बुक है, बुक को आप काउंट कर सकते हैं कि दो बुक, चार बुक, पांच बुक, कितनी किताबें हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटल का प्रयोग होता है। अगला लिटल पे आते हैं, यानी लिटल को समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे होगा। लिटल में भी तीन होते हैं, लिटल, अ लिटल, द लिटल। लिटल का अर्थ होता है कुछ नहीं, अ लिटल का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, और द लिटल का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा बचा हुआ। ठीक है, तो देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वैसे ये लिटल, अ लिटल, द लिटल, सेंस वही है, बस इनको समझने की ज़रूरत ये है कि लिटल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। लिटल का एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉक्टर हैज लिटल होप फॉर हिज रिकवरी, मतलब इसका मतलब ये है कि डॉक्टर को बहुत कम उम्मीद है उसके ठीक होने की। लिटल का प्रयोग हुआ है तो लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी डॉक्टर को ना के बराबर उम्मीद है कि जो भी पेशेंट है वो ठीक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है द टूरिस्ट स्पेंट बट अ लिटल टाइम इन इंग्लैंड, मतलब टूरिस्ट ने बहुत कम समय इंग्लैंड में स्पेंड किया, यानी खर्च किया या बिताया। तो यहाँ पे मतलब
और लिटिल का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे ये है कि जो टूरिस्ट है वो ऐसा नहीं है कि एकदम ना के बराबर समय बिता के आया है, बल्कि थोड़ा वो समय बिता के आया है, हालांकि वो समय ज़्यादा नहीं है लेकिन एकदम ना के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे और लिटिल का प्रयोग हुआ है, यानी थोड़ा से ज़्यादा। तीसरा एग्जाम्पल है, ही हैज स्पेंड द लिटिल मनी। ही हैड यानी उसके पास जो कुछ भी थोड़ी मनी थी या जो कुछ भी थोड़े पैसे थे उसको उसने खर्च कर दिया। यानी यहाँ पे देखिए बचे हुए की बात की जा रही है, बचे हुए के केस में बात की जा रही है, तो यहाँ पे द लिटल का प्रयोग हुआ है। तो आपने ऐसे देख लिया कि लिटल, अ लिटल और द लिटल का प्रयोग कैसे और किस केस में होता है। यानी लिटल मतलब ना के बराबर, अ लिटल मतलब थोड़ा बहुत या कुछ, और द लिटल का मतलब जो कुछ भी थोड़ा बचा हुआ आपके पास है। तो ये रहे फ्यू और लिटल के प्रयोग, और आई होप आप समझे होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा या ये जानकारी कैसी लगी, इसको कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे किसी भी तरीके के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।